राजस्थान में पूर्व राज परिवारों की चुनावी राजनीति में काफी दिलचस्पी रहती है। कई राज परिवारों के लोग विधानसभा से संसद तक पहुंच चुके हैं, वहीं कुछ चुनावी राजनीति में उतरने की तैयारी में है। इस बार भी कई राज परिवारों से जुड़े लोगों को टिकट मिला है, लेकिन कई इस बार टिकट पाने में नाकाम रहे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जयपुर जिले की चौमू विधानसभा सीट पर कांग्रेस की दो महिला नेता टिकट की प्रबल दावेदार थी। इन महिला नेताओं के नाम है रुक्ष्मणी कुमारी और शिखा बारला। रुक्ष्मणी कुमारी राजघराने से ताल्लुक रखती है। रुक्ष्मणी कुमारी इलाके में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी में सक्रिय रहने के साथ जनता के बीच भी एक्टिव थी। सोशल मीडिया पर जिस तरह से रुक्ष्मणी कुमारी एक्टिव थी चुनाव लड़ने को लेकर, उससे साफ ऐसा लग रहा था कि खुद रुक्ष्मणी कुमारी भी टिकट मिलने को लेकर काफी आश्वस्त है। लेकिन 4 नवंबर को कांग्रेस ने प्रत्याशियों की छठी सूची जारी की, जिसमें चौमू विधानसभा सीट से डॉक्टर शिखा मीन बराला को टिकट दिया गया। सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहने वाली रुक्ष्मणी कुमारी इस बार चौमू विधानसभा सीट से काफी मजबूती से अपनी दावेदारी थोप रही थी। पहले जानते हैं रुक्ष्मणी कुमारी कौन है और क्यों अक्सर वो चर्चा में रहती है। रुक्ष्मणी कुमारी चौमू राजघराने की सदस्य है और राजस्थान कांग्रेस के नेता होने के साथ ही सूबे की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। रुक्ष्मणी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राजस्थान यूनिट की अध्यक्ष भी हैं। वो स्टार फाउंडेशन नाम से अपना एनजीओ भी चलाती हैं, जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के बेहतरी के लिए काम करता है। रुक्ष्मणी कुमारी की शादी कर्नल ठाकुर जितेंद्र सिंह के बेटे कुंवर आदित्य सिंह से हुई थी। रुक्ष्मणी के पति मेजर आदित्य सिंह भारतीय सेना में थे और 2011 में कश्मीर में शहीद हो गए थे। 32 साल की उम्र में रुक्ष्मणी जीवन साथी को खोने के बाद टूटी नहीं बल्कि मजबूती के साथ परिवार को संभाला और अब बच्चों और महिलाओं के लिए सोशल वर्क कर रही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान के सवाई माधोपुर में थी, तब रुक्ष्मणी कुमारी राहुल गांधी के साथ नजर आई थी। तब भी रुक्ष्मणी कुमारी काफी चर्चा में नहीं थी। पिछले दिनों भी रुक्ष्मणी कुमारी की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा रुक्ष्मणी कुमारी अपनी समाज सेवा के बल पर कांग्रेस के टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया है। टिकट न मिलने पर रुक्ष्मणी कुमारी निराश दिखी थी, लेकिन चौमू से कांग्रेस उम्मीदवार शिखा मील को समर्थन देने का ऐलान उन्होंने कर दिया है और साथ ही जनता से कांग्रेस का साथ देने की भी बात कही है।